अब देखो वॉल क्लाइंबिंग कार चलती है एक वैक्यूम पे, देखो जब मैं ऑन करूंगा तो ये आवाज आ रही है, ये एक वैक्यूम पे चलती है। तो जब आप इसे चलाते हो ऊपर छत पे तो बेसिकली ये एक वैक्यूम क्रिएट करती है और ये उसकी वजह से छत से चिपक के चलती है। अगर आप इस कार को नीचे चलाओगे जमीन पे और वहां पर थोड़ी सी भी मिट्टी होगी तो ये उस मिट्टी को सक कर लेगी और धीरे 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 इसका वैक्यूम ना कम होने लगेगा। वो सीलिंग पे नहीं चलेगी, वो सिर्फ नीचे फ्लोर पे चलने लायक रह जाएगी। तो बेस्ट तरीका है अगर आप इस कार को चलाना चाहते हो, इसे चलाया करो ग्लास पे। ग्लास पे बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम करती है, 360 डिग्री भी चला सकते हो। 40 से 50 मिनट से ज्यादा चार्ज करोगे इस कार को तो थोड़े दिन बाद इसकी बैटरी भी डेड होने लगेगी। अगर आप ये दो तीन चीजों का ध्यान रखते हो तो आपकी वॉल क्लाइंबिंग कार की लाइफ आपको थोड़ी सी बेटर मिलेगी।